आणि काही लोकांची काही लोकांचं जे आहे मानसिक संतुलन जे आहे हे पूर्णपणे बिघडलेलं आहे। मला त्यांना पण सजेशन आहे की तुम्ही चांगला डॉक्टर बघा, चांगला हॉस्पिटल बघा, त्याचा पूर्ण खर्च तो देखील जे आहे हे वैद्यकीय मदत कक्ष जे आहे हे या ठिकाणी घ्यायला तयार आहे, पण आपण आपली मानसिक संतुलन जे आहे हे त्या ठिकाणी ढासळू देऊ नका, त्याची ट्रीटमेंट करा चांगल्या प्रकारे, तर त्याचा सर्वचा सर्व खर्च जो आहे तो त्या ठिकाणी वैद्यकीय मदत कक्ष जो आहे तो त्या ठिकाणी करेल। मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यास्पद है जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है। मुझे लगता है कि अभी पत्राचाल के जो आरोपी है, जो पत्राचाल के स्कैम में जेल में जाकर आए, वो अभी दूसरे को जो है पत्र लिखने का काम कर रहे हैं, और उस पत्र में जो है फाउंडेशन के माध्यम से जो कुछ अच्छे काम हो रहे हैं वो अच्छे कामों का लेखा जोखा जो है उस देने का काम उन्होंने किया है। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और वो पत्र उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है। इसके ऊपर से पता चलता है कि मोदी जी के ऊपर का विश्वास जो है उनका और जो है वो बड़ा है। जिन्होंने खिचड़ी में घोटाला किया, जो पत्राचाल में जेल में जाके आए, खिचड़ी में जब घोटाला किया तभी खुद के रिलेटिव्स के फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में पैसे आए, उसके लिए जो है इनकी इंक्वायरी चल रही है। मेरे को उनको पूछना है कि वो जो पैसे आए खिचड़ी घोटाला करके, उसमें से भी किसी बच्चे की स्कूल फीस दी है क्या, किसी बच्चे को मदद की है क्या, किसी पेशेंट को मदद की है क्या, इसका भी लेखा जोखा जो है मुझे लगता है कि उन्होंने इधर देना बहुत जरूरी है। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा, जो पत्रे के घर में रहते हैं वो दूसरे को जो है पत्र नहीं लिखा करते। और रोज महाराष्ट्र देख रहा है, देश देख रहा है कि इनकी मानसिक संतुलन जो है मेंटल स्टेबिलिटी वो दिन ब दिन जो है वो ढलती जा रही है। मेरे को उनको एज अ डॉक्टर एडवाइस है कि आप एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल देख लीजिए जहां पर जो है वो ट्रीटमेंट कर सके। उसका पूरा खर्चा हमारा जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन करेगा। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।